एक घंटे के लिए बीएसए बनी जौनपुर की दो बेटियां। एमडीएम सेल के जिला समन्वयक से पूछा खाने का मेन्यू। मुख्यमंत्री की मिशन शक्ति योजना और हमारा बेटिया हमारा मान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जौनपुर के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाली दो बेटियाओं को एक घंटे के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया। इस दौरान दोनों बेटियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीएसए की कुर्सी पर बैठकर परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना से रूबरू होकर अब तक की प्रगति को पूछा। मिशन प्रेरणा ऐप, बच्चों को निःशुल्क दिए जाने वाले ड्रेस, जूता, बैग व पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी खुद कार्यालय में मौजूद रहे। उनके समक्ष बीएसए बनी छात्रा दिव्या गोंडा निशी मिश्रा ने एमडीएम के जिला समन्वयक अरुण कुमार मौर्य को बुलाकर परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले खाने का मेन्यू पूछा। यह भी जानने का प्रयास किया कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। एमडीएम सेल के जिला समन्वयक श्री मौर्य ने बताया कि कन्वर्जन कॉस्ट की रकम से तेल, मसाला, नमक व अन्य खाद्य सामानों को खरीदा जाता है। पांचवी में पढ़ने वाली छात्रा दिव्या गौड़ निशी मिश्र को घंटे भर के लिए बीएसए बनने पर नगर शिक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव समेत बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी व जौनपुर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने खुशी जताई। कहा, इससे मुख्यमंत्री की मिशन शक्ति योजना को साकार करने में बल मिलेगा। क्या है ये काम लगवाते हैं स्कूलों में ना? प्रेरणा लक्ष्य आपका काम क्या है? पूछो कि आपका काम क्या है? काम क्या है? मैं प्रशिक्षण कराता हूँ जनता जिला शेड्यूल आता है परियोजना से उसके हिसाब से सीआरटी से आता है उसके हिसाब से और क्वालिटी एजुकेशन देखते हैं। प्रेरणा लक्ष्य पर कार्य करते हैं। प्रेरणा लक्ष्य के जितने बिंदु हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।